जी दोस्तों, तो आज मैं बना रहा हूँ चाय गुड़ दालचीनी लौंग वाली। एक डेढ़ कप बनाना है इसे, जैसे मैंने तकरीबन इसमें कोई एक सवा कप के करीब पानी डाला है। अब ये पानी जब आधे के करीब रहेगा तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगा अपने हिसाब से। फिर इसमें जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डाल दिए, एक गुड़ और दालचीनी और एक छोटा सा लौंग, क्योंकि मुझे सर्दी है, मुझे ज़ुकाम है कुछ दिनों से। अब अलहमदिल्ला ज़ुकाम बेहतर तो हो गया है, मगर अभी मेरी छाती जो है वो बंद है, तो ये थोड़ी गर्म होती है। अच्छा तो ये है कि इसमें दूध नहीं डाला जाए, भाई वो दूध के बगैर मज़ा नहीं देती चाय। इस वजह से फिर मैं दूध तो डालूँगा, अगर अदरक होती तो और बेहतर होता। और ये जब दो चीज़ें अपना इसमें वो क्या बोलते अर्क छोड़ेंगी, उसके बाद इसमें मैं दूध डालूँगा इसको कुछ टाइम के लिए उबलने और इसका अर्क निकलने तक छोड़ते। तो अलहमदिल्ला पानी मेरा ऑलमोस्ट आधा हो गया है, तो अब इसमें मैं डालूँगा दूध और इसको दूध को उबलने देंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद इसमें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूध उबल गया है, इसमें हंसपे ज़रूरत डालेंगे चाय की पत्ती। पत्ती हम कड़क पीना चाहते हैं उसे साफ डालें, मैं इतनी ज़्यादा कड़क नहीं पीता, नॉर्मल कड़क पीता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें थोड़ी डालूँगा, पहले इसको अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म मेरा आधा कप चाय का तैयार है। जिस किसी ने पीनी हाज़िर है, मैं इनकी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएगा। आखिर में यही दुआ कर रब्बा अपने दुनिया और नेमत नसीब अता फरमाए, क़यामत के सख्त में मेरा सहरजी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।